मैं यहाँ मैनहट्टन में एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट के सामने हूँ इस वक्त, और प्रोटेस्ट जारी है और बुधवार को आठवां दिन जारी है। मैं फलस्तीन का सपोर्ट कर रही हूँ, फलस्तीन का आज़ादी कर रही हूँ। आई थिंक दिस इज अ राइट थिंग टू डू। टेररिज्म इज रॉन्ग बट इट्स आल्सो आतंकवाद गलत है, लेकिन आम लोगों को निशाना बनाना भी गलत है, इसलिए वो कदम उठाना होगा जिससे जिंदगियां बचें। हमारे जो टैक्स पेयर मनी जा रहा है स्टेट ऑफ इज़राइल पे, वही गन्स एम्यूनेशन से पैलेस्टीनियन लोगों का जो कत्ल हो रहा है उस पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो इसराइल जो बिजनेस डीलिंग्स या जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उन कंपनीज में, कि जो हथियार सप्लाई कर रही हैं इसराइल को या बेच रही हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट्स वापस ले कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और ये भी कि वो जो गाज़ा में इसराइली हमले हैं जिसको कि ये लोग जेनोसाइड भी पूरा नाम दे रहे हैं, नरसंहार वहाँ रोका जाए, ये डिमांड की जा रही है। यही डिमांड सबकी है कि वो जो कंपनीज हैं उनसे जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें कि कोलंबिया है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, न्यू स्कूल यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क में, तीन यहाँ पर, और हार्वर्ड, येल कैलिफोर्निया में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, और इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ जो अमेरिका भर में हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों के लिए अब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया हुआ है। आई थिंक लोग अब परेशान हो गए हैं, क्योंकि अब ये 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और जो हमारी सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है। स्टूडेंट्स हमेशा, वियतनाम वॉर के बारे में भी सोच लीजिए, हमेशा स्टूडेंट्स आगे की सोचते हैं, एंड मुझे बहुत प्राइड है कि ये स्टूडेंट्स ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे और कैंपसेस में हो रहा है, ऐसा ही होता रहना चाहिए। प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं और न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स, इन दोनों ने बहुत सख्ती से ये इस बात को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कि यहाँ जो ज्यूइश स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ जिस तरह से छीटा कसी की गई, और ये उनको लगा कि भाई उनको खतरा होगा, जैसे कि हिंसा हो जाएगी उनके साथ। कुछ लोग यहाँ भी आए और प्रोटेस्टर्स को, ये जो एंटी इसराइल प्रोटेस्टर्स हैं, प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स, उनको भी सपोर्ट करने के लिए आए। उसमें कुछ हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ और कई इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होती हैं, तो उन्होंने भी आके स्पीच दिया यहाँ पर। और फैकल्टी जो अहम चीज़ है कि प्रोफेसर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। उनका ये कहना है कि भाई स्टूडेंट्स को हक है अपने कैंपस में प्रोटेस्ट करें, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जो कहना चाहते हैं वो कहें।